अस्सलामु अलैकुम। प्यार वाली की जानिब से प्यार वालों के लिए, मरने के बाद अगर पता चला कि अल्लाह का वजूद नहीं है। हरीश कुमार फिजिक्स में पीएचडी के बाद भारत की एक अहम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर पोस्ट हुआ। हिंदू धर्म से पहले ही मुंतफिर था। 1986 लंदन में दौरान तालीम स्टीफन हॉक्स के लेक्चर्स और कुतब से ऐसा मुतारिफ हुआ कि खुदा का ही मुनकर हो गया, और ऐसा मुनकर के बड़े बड़े मुस्लिम, ईसाई और यहूदी उलमा से भरपूर मुबाइसा करता। यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नायक भी मुझे कायल ना कर सके। डॉक्टर बताते हैं कि 2005 की छुट्टी के दिन की एक सुबह मुस्लिम सब्जी फरोश ने बेल की। हम गुज़श्ता 20 साल से सब्जी इसी से खरीद रहे थे। इस दिन मैंने इसे चाय की ऑफर की तो इसने कबूल कर ली। हस्बे मामूल खुदा या अल्लाह के वजूद पर इससे बहस शुरू कर दी। 30 मिनट की गुफ्तगु से मालूम हुआ कि वो सीधा सादा मुसलमान है जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है। हाँ, वो सौदे में बहुत ही साफगो और ईमानदार था, मुनासिब दाम में बेचता था। आखिर चलते हुए इसने एक ऐसी बात की जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। वो क्या थी? डॉक्टर जी, तुमने खुद बोला कि तकरीबन 6000 से 10000 साल से इंसानी तारीख में पैगंबरों की कहानियां चल रही है, और सब के सब एक अल्लाह और जन्नत दोजख की बात करते हैं, और साइंस मरने के बाद के हालात का जवाब ही नहीं दे सकती। तो अब दो ही इम्कानात है, अल्लाह का वजूद नहीं है, अल्लाह है। अगर तो अल्लाह का वजूद ना हुआ तो मरने के बाद हम दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर आगे जाकर अल्लाह का वजूद हुआ आप तो फिर पकड़े जाएंगे। दोनों सूरतों में फायदे में कौन हुआ आप खुद ही फैसला कर लेना। इसलिए बेहतर यह है अल्लाह को मान ले और इसके कहने पर चलिए। इसका कुरान तो इंसान का सीधा राह पे चलने का कहता है। मैंने सारी जिंदगी इम्कान प्रोबेबिलिटी के लेक्चरर्स दिए, लेकिन इसके जाने के बाद सोचा कि इसकी तरफ तो कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। प्रोबेबिलिटी के दोनों सूरतों में अल्लाह को मानने वाला फ़ायदे में है। किस्सा मुहतसर, इस सोच के बाद ख्याल आया कौन सा आसमानी मज़हब बेहतर है। मज़हब का इलम तो मुझे पहले ही काफ़ी था। डॉक्टर जाकिर नायक के एक लेक्चर में 1400 साल से पूरा कुरान मजीद का हर्फ बहर्फ एक होने का सुना, तो इंग्लैंड की क्रिश्चियन मशीनरी इदारे से इसकी तहकीक दरियाफ्त की, तो सब ने इस बात की तस्दीक की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे और मेरे सारे घर को मुसलमान हुए 15 साल हो गए। मैं इस्लामी तालीमात के लिए करेला शिफ्ट हो गया। मेरी 3 बेटियां हाफिज कुरान है। अल्लाह करीम ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। लेकिन इस सब्जी वाले अब्दुल अहद से दोबारा मेरी मुलाकात ना हो सकी, लेकिन मैंने कबूल इस्लाम के बाद अपना नाम भी अब्दुल अहद रखा, क्योंकि वो एक सच्चा मुसलमान था।